नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका एक बार फिर से करता हूं स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज होने वाला है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फोर्थ ओडीआई मुकाबला कोलंबो के स्टेडियम में। दोस्तों, पिछला मुकाबला श्रीलंका वन साइड जीत के आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी टीम कमजोर नहीं है, जबरदस्त पलटवार कर सकती है आज के इस मुकाबले में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत सकती है, साथ ही फॉर्म को देखते हुए प्रेडिक्शन क्या निकलने वाला है, कौन से होंगे वह 11 खिलाड़ी, जी हाँ ड्रीम 11 के 11 प्लेयर कौन से हो सकते हैं जो कि आज चमकेंगे, फुल प्रेडिक्शन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब पहले अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली मैच की प्रेडिक्शन लेके आता हूँ। आने वाले 23 जून से TNPL यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के हर मैच का प्रेडिक्शन भी आपको यहाँ मिलने वाला है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैच की प्रेडिक्शन, टॉस की जानकारी, विनर का पता कुछ मिनट पहले चल जाए, और आप यदि आपको सेशन बाय सेशन यानी कि हर मैच के सेशन की जानकारी मिल जाए टेलीग्राम पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की। आशीष भाई है, काफी अच्छे काम रहता है और आशीष भाई आपको मैच की प्रेडिक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल को या फिर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट अवश्य कर सकते हैं, काफी बढ़िया काम रहता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की डेट की बात कर लेते हैं। पहले 21 जून आज की डेट है और मंगलवार आज का दिन है। तो दोस्तों, मंगलवार के हिसाब से दो टीमें हैं आज की, एक और जहां श्रीलंका है वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया है। आज का जो लकी नंबर हम कहेंगे, आज कहेंगे लकी नंबर 3 और 6 को, जी हाँ। इसके बाद दोस्तों श्रीलंका की बात कर लेते हैं। बाय एस्ट्रोलॉजी इनकी शनि स्वामी है, दिन मंगलवार है, शनि मंगल भी आपस में मित्र है। बट यदि बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का स्वामी ही मंगल है, दिन भी मंगलवार है, तो ये भी एक मित्र हो गए। दोनों ही टीमों को पॉजिटिव पॉइंट हम देंगे, यानी कि आज का मुकाबला आपको अंतिम क्षणों तक के जाते हुए दिखाई देगा। पिछले मुकाबला वन साइड गया था, लेकिन ये मुकाबले में आपको मैच के अंतिम अंतिम टाइम पे विनर का पता चलने वाला है, यानी कि मैच रोमांचक होने वाला है। फिंच का स्वामी मंगल है, यानी कि एरोन फिंच का स्वामी मंगल है। शनाका जिनका स्वामी गुरु है, दोनों ही मित्र है मंगलवार के, तो मैच बिल्कुल टाइट होने वाला है। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली है। अब मैच कौन जीतेगा, जी हाँ मैच फाइनल रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम को कि कौन सी आज कौन से 11 प्लेयर है जो कि हमारी टीम में होने वाला है। देखिए, आपकी टीम अलग हो सकती है, हमारी ये टीम अलग हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप निवेश करते हो तो अपने रिस्क पर करिए, हमारी टीम की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। ये हमारी पसंद की टीम रहती है, 11 प्लेयर जो कि हमारे हिसाब से चल सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग रहती है। आपकी टीम क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए। तो दोस्तों, आज हम यदि फॉर्म को देखते हैं तो हमारा पहला प्लेयर जो कि रहेगा वो रहेगा ओपनर में डेविड वार्नर और एरन फिंच को, जी हाँ ऑस्ट्रेलियन ओपनर को आज हम पिक करने वाले हैं स्टार्टिंग में। एरन फिंच और डेविड वार्नर को पिक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही बैट्समैन का जो फॉर्म है मध्यम चल रहा है, यानी कि मीडियम फॉर्म चल रहा है। किसी भी एक मैच में फिंच परफॉर्मेंस दे रहे हैं या किसी एक मैच में वार्नर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को चुनने का मकसद यह है दोस्तों कि इनके सारे बैट्समैन जो है बैटिंग इनको मिलती है। जैसे पिछले मैच में क्या हुआ था कि श्रीलंका के मात्र 2 या 3 बैट्समैनों ने ही रन बनाए थे, उन्हें मौका मिला था, बाकी के बैट्समैन को मौका नहीं मिला था। बट श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की टीम में सारे बैट्समैन को मौका मिलता है, विकेट गिरती है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो खिलाड़ी रहेंगे हमारे डेविड वार्नर और एरन फिंच। थर्ड नंबर पर दोस्तों हम पिक करने वाले हैं पार्थुन निशंका को, यानी कि जो जिन्होंने शतकीय पारी खेली थी, पार्थुन निशंका अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आपको आज भी 30-40-50 रन मार के दे सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों निशंका के बाद हम पिक करने वाले हैं कुशल मेंडिस को। कुशल मेंडिस का एवरेज इस सीरीज में 67 का रहा है और आपको हर मैचों में कंटिन्यू परफॉर्मेंस देते हैं कुशल मेंडिस, तो कुशल मेंडिस को भी हमारे टीम में जगह मिल जाती है। फोर्थ नंबर पे कुशल मेंडिस रहने वाले हैं। फिफ्थ नंबर की बात करें तो दोस्तों ट्रेविस हेड भी उपयोगी पारी खेलने में माहिर है, तो ट्रेविस हेड को भी पिक कर लेते हैं। आपको अंतिम क्षणों में फिनिशिंग का रोल निभा सकते हैं, या फिर यदि विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ये मिडिल ऑर्डर में आकर के टीम को संभाल सकते हैं। तो ट्रेविस हेड हमारी टीम में 5वें नंबर के प्लेयर रहने वाले हैं। अब दोस्तों 6वें नंबर की यदि हम बात करते हैं तो 6वें नंबर में पिक करने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल को, जी हाँ मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी स्कोर करके देता है।
यदि किसी टाइम पे बैटिंग में फेल हो गया तो बॉलिंग में आपको एक दो विकेट निकाल देता है, यदि बॉलिंग में फेल हो गया तो बैटिंग में 40-50 रन आपको फास्ट बना के दे सकता है। तो मैक्सवेल को आज हम पिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्लेयर रहेगा हमारा, वह रहेगा एलेक्स कैरी। जी हाँ, विकेट कीपर ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी को भी हम पिक कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टार्टिंग के 2-3 प्लेयर जल्दी आउट होते हैं तो एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड और मैक्सवेल के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी और यही हमारे जो पॉइंट्स है वो कवर करने वाले हैं। तो एलेक्स कैरी को हम पिक कर लेते हैं। इसके बाद जो अगला प्लेयर है हमारा, सातवें नंबर पे हम पिक करने वाले हैं धनंजय डी सिल्वा को। जी हाँ दोस्तों, धनंजय डी सिल्वा बैटिंग में अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग में भी आपको एक या दो विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। धनंजय डी सिल्वा को भी हम पिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्लेयर बॉलिंग की बात करते हैं तो अब हमारे तीन जो बॉलर रहेंगे, दुश्मंता चमीरा, जोस हेजलवुड और जाय रिचर्डसन। हेजलवुड, चमीरा और रिचर्डसन ये हमारे बॉलर रहने वाले हैं। दोस्तों एक बैकअप के लिए हम महेश तीक्ष्णा को भी साइड में रखेंगे, यानी कि एलेक्स कैरी या फिर महेश तीक्ष्णा, इन दोनों में से हम एक पिक करने वाले हैं। तो इसके बाद देखिए ये हो गई हमारी 11 की टीम, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों पिक करते हैं कि कैप्टन कौन रह सकता है और वाइस कैप्टन कौन रहेगा। दोस्तों इस टीम में हमारी जो कप्तान का रोल है वो निभाएंगे ग्लेन मैक्सवेल। जी हाँ, मैक्सवेल कप्तान रहेंगे, क्योंकि मैक्सवेल स्टार्टिंग में आते हैं बॉलिंग के लिए, आपको यदि एक दो विकेट निकाल के देते हैं और बैटिंग में अगर जल्दी बैटिंग आती है तो आपको 30-50 रन भी स्कोर कर देते हैं। इनका ऐसा परफॉर्म चल रहा है कि यदि बैटिंग नहीं तो बॉलिंग और बॉलिंग नहीं तो बैटिंग आपको मैच में पॉइंट्स लेके देते हैं, हर मैच में पॉइंट्स लेके दिए हैं बैटिंग से या फिर बॉलिंग से। तो मैक्सवेल हमारे कप्तान रहेंगे और सेकंड जो वाइस कैप्टन है उनको रखेंगे हम कुशल मेंडिस को। कुशल मेंडिस जो है काफी अच्छी बैटिंग में चल रहे हैं, परफॉर्मेंस में चल रहे हैं और फॉर्म भी बढ़िया है, तो कुशल मेंडिस हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं फाइनल प्रेडिक्शन की कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इस मुकाबले में कौन सी टीम होगी जो कि विनर होगी। दोस्तों हमें लगता है फॉर्म को देखते हुए भी और एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए भी और साथ ही दोस्तों न्यूमरोलॉजी को देखते हुए भी आज आपको श्रीलंका की टीम जीतते हुए दिखाई देगी। हालांकि हमने कहा है कि मैच आपको लास्ट मोमेंट पे जाता हुआ दिखाई देगा, परंतु लेकिन आपको श्रीलंका एक बार फिर से विनिंग टीम के तौर पे दिखाई दे सकती है। पिछले मैच में हमने कहा था श्रीलंका हारेगी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि पिछले मैच में सूर्य और शनि की युति बन रही है श्रीलंका की कुंडली में, तो सूर्य शनि कैसे हैं, जिताएंगे तो बहुत ही वन साइड मैच जिताने वाले हैं, हराएंगे तो वन साइड मैच हराएंगे। हमने कहा था हारेगी बट जीती, लेकिन वन साइड जीती, तो यह प्रेडिक्शन हमने दिया था वन साइड शायद मुकाबला मार सकती है। तो दोस्तों इस मुकाबले में श्रीलंका एक बार फिर से विन करके सीरीज को अपना नाम कर सकती है। आपका प्रेडिक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। एक बात और है कि आशीष भाई से आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की और व्हाट्सएप में भी इनका नंबर दिया गया है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। काम काफी बढ़िया चलता है इनका और आपको प्रेडिक्शन टॉस की जानकारी, सेशन की जानकारी प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार कॉन्टेक्ट अवश्य कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।